गुजरात मॉडल सिर्फ विज्ञापन का मॉडल है भैया, किसी का रोजगार मिला क्या? देख लीजिए सामने, किसी का व्यापार जीएसटी के मार से फल फूल रहा है क्या? ये देखो आप, देश की जनता को गुमराह करने के लिए बाकायदा सुव्यवस्थित पृष्ठभूमि पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे कैसे भड़कलाया जाए। इसमें गोदी मीडिया का पूरा योगदान है, इसमें विज्ञापन का पूरा योगदान है और सभी में जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उनका परिवार अंबानी और अदानी है, आम आदमी नहीं है। और गुजरात की जनता ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को वापस गुजरात पे ले आएंगे, दिल्ली से वापस बुला लेंगे। को करारा जवाब ये गुजरात की जनता देगी, क्योंकि गुजरात की जनता को यहाँ उल्लू बनाया है। टाई तो कभी बेची नहीं साहब ने, मुझे तो पता है, पर वहाँ भी इतने बिकेंगे। एक बार वो हमारे गुजरात में कहवत है कि हाड़ा हमारा क्षेत्र ही गया, के लोग हमको उल्लू बना गए और 15 लाख का वो गुड़ लगाते हैं, नहीं खा सकते नहीं चाट सकते। अरे साहब, 18 घंटा करते है, शायद जो 25 घंटा करने लगे ने तो देश का दिवाला निकाल लेंगे। भूख की बात करे, अपना इंडेक्स 111 के 12वां नंबर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे है हम। यहाँ सिर्फ तानाशाही की सरकार चला रहे ये लोग। वो 2 करोड़ नौकरी भी जुमला है, 15 लाख जुमला है, विकास जुमला है, धर्म की राजनीति जान, वो झूला भी बड़ा जुमला है। वो लोगों को उल्लू बनाने की एक स्कीम है, मैं तो झूला लेके चला जाऊंगा, मैं प्लेटफॉर्म पे चाय बेचूंगा, फलाना टीम का कोच है नहीं। इस देश के अंदर 2014 से लेके आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा किया गया है। वॉशिंग मशीन के पास कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी गए हैं। बीजेपी में जुड़ो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ, आज का यही फंडा चल रहा है। दया करो, अरे मोदी साहब दया करो, गुजरात पे दया करो मेरे साहब। ईवीएम बंद करना पड़ेगा, ईवीएम देश से नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। हिटलर शाही चल रहा है, तानाशाही नहीं हिटलर शाही चल रहा है। का विकास हो रहा है और सबका विनाश हो रहा है। विनाशे काल विपरीत बुद्धि, मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वोट डालेगा कांग्रेस में जाएगा भाजपा में, ऐसा मशीन है तो वही बनेगा वड़ा प्रधान। बेच डाला सब, रेलवे एयरपोर्ट और जीएमडीसी सब बेच दिया। 4 साल से हालोल में रोड रही है, गटर नहीं है, पूरे खड्डे के खड्डे गिरे हैं, कोई भाजपा देखने नहीं आता यहाँ पे। विकास के नाम पे गुजरात की जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। एक रोड 4 बार बना, चारों 4 बार खड्डे हो गए, 1 महीने में दिवाला निकल जाता। पहले गैस का बॉटल 400 रुपए थे, कूड़ी लेके निकलते थे, 1000 है, 1090 है। पहले स्कूल की फीस जो 2-2, 3-3 हजार थी, आज 25-25 हजार रुपए हो गए। यहाँ पर मोदी सरकार जब आती है या मोदी जी आते हैं तो विकास की बात नहीं करते, यहाँ पर वो आके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पावागढ़ की बात करें, मैं चैलेंज लगाता हूँ, 3-3 दिन में पानी नहीं पहुँचता, मोटरें बंद हो जाती है पावागढ़ के। और सब लोग कह रहे हैं सरकार कौन सा है यहाँ, बीजेपी के है ना, गोरकुल देने वाले थे, रोजगार देने वाले थे, रोजगार कहाँ गया, अच्छे दिन कहाँ गए, 15 लाख कहाँ, 15 रुपए नहीं आए। मोदी जी को कुछ नहीं आता, इस देश के अंदर सिर्फ नफरत फैलाना, जाति और धर्म के नाम पे ये देश को बांटना, इसके अलावा मोदी जी को कुछ भी नहीं आता। बीजेपी जब जब इस देश में आती है तो उनका एक ही काम होता है कि जाति धर्म में झगड़ा लगाओ, ये देश में इंसानों को बांटो, गरीब और अमीरों में फासले फनाओ, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती और आगे भी कुछ नहीं करेगी। इस देश को जुड़ा रहना है तो हमें कांग्रेस के साथ ही चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया है, जो बातें हैं वो कागज पे, असल में ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखता है। फेकू बातें जो है ना, उनमें ही वो अग्रेसर है और कुछ नहीं। अब ऐसे इनका ये बड़े बड़े दिखावा, तो पूंजीपतियों के लिए वो सरकार बनी हुई है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। वो जुमलेबाजी में तो अग्रेसर है पूरी दुनिया में, उनको सब जाना जाता है। जुमलेबाजी, ड्रम बजाना, मस्ती करना, एंजॉयमेंट करने में तो बहुत आगे, 18 घंटे सोते रहते हो तो किसने कहा 18 घंटे काम करते। देखो ये पूरी मीडिया है ना, ये मीडिया को उन्होंने गोदी में बिठा के रखा है, क्या समझे आप। इसलिए मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। सिलेंडर के दाम देखो, अनाज देखो, हर चीज पे आम आदमी परेशान है। ये पूरे देश में जो हो रहा है वो ईवीएम का खेल है और कुछ नहीं है। परिवार की बात कर रहे हैं मोदी जी, अरे परिवार की बात करते तो अदानी अंबानी को आगे नहीं बढ़ाते, उनका कर्जा माफ नहीं करते तो अरे बाप रे, उनकी जैसा भ्रष्टाचार आज तक किसी ने किया नहीं होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अरबपति है, उनका ही कर्जा माफ हो रहा है, किसानों का कर्जा कहाँ से माफ हुआ, आज तक किया क्या उसने मोदी ने, आज तक किसानों की आई दुगनी करी। मीडिया वाले सब यही बोल रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, मोदी की भाषा बोल रहे हैं, किसानों की भाषा किसने सुनी। हमारा हसदेव का पूरा जंगल तोड़वा दिया मोदी ने, अडानी और अंबानी को तो दे ही दिया, पूरा दे दिया, सिर्फ बोलता ही है, कुछ करता नहीं मोदी। हाँ भलाई के लिए कर रहे, झोली ले रहे, मांग रहे, लाओ तरकारी रोटी।
कुछ नहीं किया मोदी ने काम, वो लूट रहा, सबको लूट रहा है ना। मोदी सिर्फ वारंटी है, गारंटी नहीं। 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, क्या महंगाई की मार है, ऊपर से रोजगार नहीं है। भाजपा की सरकार है भी राजस्थान में, वो बोल रहे हैं हमने कम कर दिया, तो गुजरात में क्यों कम नहीं किया? 40 साल से उनकी सरकार है। ये प्रोपेगेंडा है एक तरह का, कि बाहर जाके यही कहते हैं हमने गुजरात मॉडल में। गुजरात पहले से विकसित था, आप अगर इतिहास देख ले तो यहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सब कांग्रेस की सरकार में बना। 2000 के बाद उन्होंने जो ये मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो गलत प्रचार किया, उससे बाकी राज्य के लोग के जो है वो भ्रमित हो गए। ऑन पेपर सब दिखाएगा सर काम, हकीकत में कुछ भी नहीं दिखेगा सर। सर 6 किलोमीटर का रोड बनाने में 2 साल लग गया है सर। नर्क बन गया है, स्वर्ग नहीं है। पब्लिक को पेट्रोल में लूट रहा है। अडानी का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई अनावश्यक रूप से जनता के ऊपर भार के रूप में थोपी जा रही है। उस गाड़ी कमाई को अडानी अपने मित्र को पोषण देने में, उसको विकास में लगा रहा है। क्या विज्ञापन प्रचार प्रसार में जनता के पैसे का दुरुपयोग कर सिर्फ नाम को चमकाना, चेहरे को चमकाना। गुजरात में यदि देखा जाए तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। विकास अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों को हो रहा है। मोदी तेरे लालों ने और बहुत कमाया सालों ने। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे कट्टे हो तो सच्चा टूट जाता है ना। इतना शोर कर जालिम हमारे, टूट जाने पर आसमान से फलक से सितारा भी टूट जाता है। मणिपुर, नागालैंड, जो भी आदिवासियों के साथ क्या हुआ मणिपुर में? क्यों मेरी माँ बहन को नंगा घुमाया गया रास्ते पे, वो भी मोदी जी के राज में? तो हम ये सह नहीं सकते और ना सहेंगे। मोदी जी कोई ज्योतिषी थोड़ी है, संसद में खड़े रह के दावा कर दिया 400 बार। क्या हुआ तेरा वादा? आपने कुछ वादा किया था, वो निभाया नहीं है। आज भी मेरे आदिवासियों के गाँव में ना जाने के लिए गाड़ी है, ना बीज है, ना बिजली है, ना पानी है। आदिवासी आज भी वैसे ही आदिवासियों की तरह ही जी रहे। मोदी जी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया कि राज में अन्याय ही होगा। कि 10 साल आपने जो देश चलाया वो कैसे चलाया? आपने जो जो बिका है, 32 LIC सेंटर बिके आपने, वो मेरे कांग्रेस ने बनाया था। पुर्जों की, बाप जादों की जमीन, जायदाद, इज्जत सब बेच के बना रहे हो। आपने खुद अलग किया हो तो हमें बताना, हम आपको वोट करेंगे। को भी बताए, हमको भी बताए, बस आप बिक गए, हम बिके नहीं। मोदी की खरीदने की औकात नहीं है, मोदी की औकात नहीं कि जनता को खरीद ले। ब्लैकमेलिंग, ईडी, सीबीआई, धुले हुए तंदूल के है क्या, चावल के है क्या? बीजेपी में कोई फ्रॉड नहीं क्या? अरे तुम्हारा राम कदम कहता है मुंबई में कि घर से लड़की उठा लूंगा, कैसे जीत रहे? ईवीएम साइड में रख के बैलेट पेपर पे ही इलेक्शन लेना है। जिसने चाय बेचा है वो पकौड़े की बात कर सकता है, आप समझते हो ना? जिसने चाय बेच के दिन काटे हो, भीख मांग के दिन काटे हो, वो पकौड़े की बात कर सकता है। हम देश की उन्नति की, तरक्की की बात करेंगे। क्यों? अरे जो बीवी को नहीं संभाल पाया देश को संभालेगा? अकेला भारी होने से क्या होता है? ब्लैकमेलिंग से थोड़ी ना देश चलता है। चौकीदार चोर है, तानाशाही, हिटलर शाही, जुटलर शाही। जुटलर मालूम है आपको? तो गुजरात से आता है जुटलर। जुटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं आ सकते मोदी जी, नहीं, क्योंकि वो धर्मवाद और दैववाद पे चलते हैं। उनका जूठा दिखावा है सब, और लोगों को जो गुमराह करके चुन के आए, वो लोगों के साथ बेईमानी करके चुन के आए। वो 2014 में उन्होंने बोला महंगाई कम होगी, सिरे सुरक्षा होगी और तुम्हारा सब लोगों को अच्छा खान पान मिलेगा, ये सब उनका झूठा वादा था। और ये झूठ पे चलने वाली बीजेपी सरकार है। बहुत अन्याय हो रहा है आदिवासी के साथ। माधुरी जी के तो आदिवासी के लिए तो कुछ भी नहीं, बहुत विरोध करता है आदिवासी, सब झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले गरीब आदमी को धोखा देता है मोदी जी, 2 साल का कोई काम का नहीं। गैस को बड़े भाव हो गया है, चाहे मोदी सरकार कुछ भी कर ले मगर आदिवासी पीड़ित जनता ये सब लोग कुछ भी 400 किसी कर लो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, राहुल जी और कांग्रेस के पीछे सब लोग रहने वाले हैं। हमारे जो बहने थी उनको बलात्कार करके, रेप करके चौपारे में गोली मार दी, और हम दोबारा उसको 24 को हम चुनेंगे? हम नहीं चुनेंगे। हम आदिवासी के विरोधी है मोदी सरकार। ये बीजेपी वाले ढोंगी है, पाखंडी है, ये पहले से ही पाखंडी थे, आज भी है और आगे भी रहने वाले हैं। अगर 2024 में अगर मोदी आ गए ना, सब दुनिया को भेज डालेंगे। विकास ने भकास है, भकास भकास हो रहा है। कहाँ का विकास है? मोदी जी इलेक्शन में ना वो हेराफेरी कर रहे हैं, वो सेटिंग कर रहे हैं, वो गारंटी नहीं है। मोदी जीरो गारंटी के है। ये क्या बोलते हैं? ये तो तुम्हारी सेटिंग है इसलिए गारंटी दे रहे हैं।